इनका जो गुस्सा है वो अनकंट्रोल बिकॉज बिलोंग्स टू सन. इनकलाबी लोग या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे हैं या मैनिपुलेट करने वाले लोग पूरे वर्ल्ड में जितने भी आए हैं वो जो है फायर साइन से बिलोंग करते हैं. आपकी कंपेटेबिलिटी अच्छी रहती है, वही मैंने बताया कि आप इमोशनली एक बॉन्ड शेयर करते हो या फिर खूबियां और खामियां आपकी एक जैसी होती है, फिर आप एक दूसरे को डील अच्छे से कर लोगे ना. हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं समराना शाह, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान. अच्छा, एक तो इस हवाले से समराना हम बात करेंगे, साथ ही साथ आप बताइएगा लव स्टार, एनिमी स्टार और फ्रेंड स्टार किन किन के अच्छे हैं. ओके, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जी. हम अगर स्टार चलते हैं, अब मैं थोड़ा साइंटिफिकली उससे चलूंगी, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक एक करके नहीं हम बताएंगे. हम जैसे वाटर साइंस से शुरू कर लेते हैं. एग्जैक्टली जी, अगर हम वाटर साइंस से स्टार्ट करते हैं तो वाटर साइंस में कैंसेरियन है, स्कॉर्पियन है, पाइसिस है, तो बेहतर रहेगा कि वो अपने ही, जैसे वाटर साइंस है तो वाटर साइंस वालों के साथ ही उनका कंपेटिबिलिटी ज्यादा बनता है. अच्छा. रिलेशन में भी, बिकॉज क्या होगा, इमोशनली भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, फिर मूड स्विंग्स में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी ना एक कंपेटिबिलिटी जो है वाटर साइंस जो है वो शेयर करेंगे. फिर ये कि वाटर साइंस वाले अगर एयर साइंस के साथ भी उनकी जो है वो बन जाएगी, लेकिन वो बनेगी गुजारा, वो इस तरह से होगा 60% पे गुजारा होगा. अच्छा. जैसे फुल कंपेटिबिलिटी कहोगे तो वो शेयर नहीं करेंगे. 100% तो कहीं भी नहीं मिलता ना. बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है. फिर हम वाटर साइंस से जरा हट के आ जाते हैं. जैसे एयर साइंस की बात हो रही है तो इसमें हमारे पास लिब्राज हैं, हमारे पास जो है वो जेमिनाइज हैं, हमारे पास एक्वेरियस हैं. आप अगर वाटर साइंस को वैसे भी टैले करोगे ना तो आप सॉरी एयर साइंस को, तो क्या है कि एयर साइंस जो होते हैं उनका जो मिजाज होता है, हवा कहीं रुकती नहीं है, तो आंसर से क्या होता है, आप मिजाज का पता चल जाता है कि अगर कोई एयर साइंस है तो वो क्या मिजाज का होगा. बेसिकली फोकस भी उन लोगों का जो है अच्छा नहीं होता. अच्छा, और अच्छा. ज्यादातर ये लोग दो दो शादी की तरफ भी जाते पसंद करते हैं. एग्जैक्टली. हर चीज में जो है वो तब्दील होना पसंद करते हैं और दो दो शादी की तरफ भी जाते हैं ये लोग. खतरनाक. हाँ, खतरनाक है. तो इनकी कंपेटिबिलिटी भी आपस में रहती है या फिर वाटर साइंस के साथ जो है वो रहती है. जैसे सपोज जेमिनाई है तो जेमिनाई जेमिनाई बेस्ट कंपेटिबिलिटी शेयर करेंगे. लिब्रा के साथ लिब्रा जेमिनाई बेस्ट कंपेटिबिलिटी शेयर करेंगे. फिर एक्वेरियस के साथ ये जो दोनों एयर साइंस हैं इनकी बेस्ट कंपेटिबिलिटी इमोशनली भी, फिजिकली भी, हर तरह से जो है वो एक अच्छी बॉन्ड शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो समराना फिर अर्थ साइन पे आ जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं. अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट मुझे हमेशा. अच्छा. हाँ, जब आप कोई भी अर्थ साइन देखोगे ना, एक तो वो बहुत डीप होते हैं, दूसरा ट्रस्ट नहीं कर पाते. अच्छा. तो जैसे तो सबसे मुश्किल अगर और इसमें आते कौन कौन से जी, इनमें ये कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है. ज्यादा हमारे एंकर्स जितने भी हैं वो वर्गो से बिलोंग करते होंगे ना. अच्छा. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं. अर्थ साइन के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये तो डेविल को भी जो है ना मना लेते हैं. अगर डील करते ना डेविल के साथ तो इनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा होता है कि डेविल भी राजी हो जाएगा कहीं ना कहीं. तो ये आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी या फिर वाटर साइंस के साथ जो है इनकी कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी. जैसे हमारे स्कॉर्पियन है, कैंसेरियन है, फिर उसके बाद पाइसिस हैं, तो इनका एक अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे ये आपस में. अच्छा समराना, फिर लगे आप फायर साइंस में भी बता दें, अब तीन ही बचे हैं. हाँ. तो उसमें आते हैं स्टार. अच्छा जी. तो उनकी कंपेटिबिलिटी भी बता दें जी. अच्छा, फायर साइंस को वैसे अगर टैली किया जाए ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप जितने भी सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है. बिल्कुल, क्या है, गुस्सा. लियोज हो गए हमारे, सेजिटेरियस हो गए हमारे, फिर ये एरीज. तो क्या है ये, आप 99% ये स्टार्स वालों को अगर टैले करोगे ना तो ये गुस्सा, इनका जो गुस्सा है वो अनकंट्रोल बिकॉज बिलोंग्स टू सन. सन से बिलोंग करते तो सन देखे कितना गर्म होते, तो उनका मिजाज ये कहते हैं ना, नाक पे गुस्सा रखते हैं, नाक पे गुस्सा. लेकिन लॉयल होते हैं. अच्छा, ये कि अपने कंपेनियंस के साथ लॉयल होते हैं, तो आपस में ये स्टार्स बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी जो है वो शेयर करते हैं. फिर ये कि वाटर साइंस के साथ भी इनकी बनती है. कितने परसेंट बनती है ये? तो 60-50 में बनती है. आपस. अच्छा. में रहेंगे ठीक है, खुद ही लड़ेंगे, खुद ही मरेंगे. ये अच्छी बात है, किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को इन्वॉल्व ना करें. बट ये है कि एयर साइंस के साथ भी इनकी बन जाती है.
थोड़ी बहुत जैसे होता है कि 50% पे बनती है, लेकिन इनको डील करना बहुत मुश्किल रहता है. अच्छा, बिकॉज आप समझाना मुश्किल है. जी जी, वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे बहुत सारे रिबेलियंस जितने भी आए पूरे वर्ल्ड में, अगर सर्च करेंगे आप तो आपको पता चलेगा वो ज्यादातर जो है वो फायर साइंस से बिलोंग करते हैं. इनकलाबी लोग या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे हैं या मैनिपुलेट करने वाले लोग पूरे वर्ल्ड में जितने भी आए हैं वो जो है फायर साइंस से बिलोंग करते हैं, तो इनको डील करना बड़ा बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई. अच्छा, मेरा एक सवाल है समझाना, ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया ना कि वाटर साइंस है, इनकी एयर साइंस वालों के साथ कोई 60% बन जाती है. अब अगर कोई कनेक्ट हो गया उसके साथ, मतलब वाटर वाला फायर के साथ, तो उसका क्या बनेगा, उस बेचारे के लिए क्या मशवरा है आपका? वो कहते हैं ना आग पानी का कोई जोड़ नहीं होता. तो मैं क्या, वो इसलिए मैंने आग और पानी को मिलाया. अच्छा, अब क्या होता है, वो लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, आर्गुमेंट बहुत रहते हैं. अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी, तो ये नहीं कहते जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ प्यार बहुत ज्यादा होता है. वाकई प्यार ज्यादा, लड़ाई भी अच्छी नहीं है ना. अट्रैक्ट करते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं. अब एक आपको मजेदार इन्फॉर्मेशन और भी दे रही हूँ. अगर वाटर साइंस पे हम आते हैं, 2024 की जो रिसर्च है, जो ज्यादा सीरियल किलर पूरे वर्ल्ड में आए हैं वो वाटर साइंस से बिलोंग करते हैं. कैंसेरियन हो गए, पाइसिस हो गए, हमारे स्कॉर्पियन हो गए, सीरियल किलर्स जो हैं. तो आप ये सोचे कि वो कितने डेंजरस हैं. सम्राना, मेरा बड़ा अहम सवाल है. आप क्या समझती हैं, आपकी क्या एक राय है इस पर कि शादी के लिए हमें स्टार्स को मद्देनजर रखना चाहिए जब भी हम कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, या जिस तरह रिश्ता आप ढूंढ रहे होते हैं आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे, तो स्टार्स का पूछना चाहिए, निकालना चाहिए? ये बेहतर है, बेहतर है. जैसे एक ये वैसे उन्होंने किसी की फरमाइश पे, मतलब किसी के मशवरे के लिए पूछा, खुद तो वो इस मरहले से बखूबी गुजर चुकी है माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है. बट ये है कि एटलीस्ट आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहती है. वही मैंने बताया कि आप इमोशनली एक बॉन्ड शेयर करते हो, या फिर खूबियां और खामियां आपकी एक जैसी होती है, फिर आप एक दूसरे को डील अच्छे से कर लोगे ना. यू नो, आपको ट्रिक्स एंड ट्रेड्स ऑलमोस्ट पता होंगे तो आप डील कर लोगे. फिर ये है कि ऐसे में एक बंदा, ऑब्वियसली जो सीक्रेट होता है सक्सेसफुल मैरिज का, वो ये होता है कि एक बंदा अगर गुस्से में है तो दूसरा बंदा जो है वो थोड़ा काम रह के थोड़ा चुप कर जाए, तो उसके बाद ही जो है वो आप सक्सेसफुल रह सकते हो. बट ये है कि अच्छा है अगर कंपेटिबिलिटी देख ली जाए, का बल्कि एक इस्लामिक मेथड भी है, वहाँ से भी आप जो है वो चेक कर सकते हो. फिर ये कि हमारा साइंटिफिक इस्तखारा कर लें, ये भी बहुत एक अच्छा है. हाँ, उसी का हमारा साइंटिफिक. बहुत शुक्रिया सम्राना, आपने बड़े अच्छे इन डिटेल हमें इसके हवाले से आज बताया.